क्या हाल है, क्या हाल है दोस्तों। हमारे सामने आज अभिषेक राज बैठा हुआ है, मेरा भाई है। इसी ग्रुप में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, शुरू से लेकर के, और जब तक जॉब नहीं लगा है तब तक हम लोग साथ ही में रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। और अभिषेक, अपने बारे में ज़रा बताओ कि अभी कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, कहाँ पे अभी ट्रेनिंग से आ रहे हो और कहाँ जाना है, एक बार मेरे दर्शकों को बताओ भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत का दोस्त अभिषेक राज। मेरी सिलेक्शन सीजीएल 2019 से एग्जामिनिंग ऑफिसर कस्टम्स में हुई है। मेरी ज्वाइनिंग मुंबई जोन में होने वाली है और अभी मैं परसों ही फिजिकल, मेडिकल और डीवी देकर आया हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्वाइनिंग इस मंथ के एंड तक हो जाएगी। तो मुंबई में 3 जोन्स हैं, वहीं पर मेरी ज्वाइनिंग होगी। और अभी अभिषेक सीजीएल 19 से ये निकला हुआ है, ठीक है। हम लोगों में आपस में ना गाइस कंपटीशन बहुत होता है, कभी प्री में मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं, कभी इसके ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। भाई के इंग्लिश में थे 195, ठीक है। इंग्लिश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे अभिषेक राज से, ठीक है अभिषेक। और एक बात आज अभिषेक आप बताओ कि क्या करते हैं लोग ना, कि बहुत डरे हुए हैं इंग्लिश से, इनको लगता है ना कि हम शुरू से नहीं पढ़े हुए हैं ना तो हमसे इंग्लिश होगा ही नहीं। मैथ में भी वही हाल है, एक होता है ना कि डर क्रिएट होता है। बताओ कि इंग्लिश कितना आसान है। जहाँ तक डर की बात है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये मैथ जैसा नहीं है जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपना माइंड लगाना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज है जिसकी तैयारी ईजिली खुद से हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हम बातें सुनते हैं, तो इंग्लिश समझना तो हमें आता ही है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट ये होता है कि हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज करने में थोड़ा डरते हैं। तो ये डर हम दूसरों से खुद में बनाते हैं, दूसरे की बातें सुनकर। लेकिन अगर आप इस डर पे, यानी कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, सिर्फ आप 15 दिन अपने इंग्लिश पे दें और उसके बाद देखें कि अगर आपका परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रहा है, अगर ये बेहतर हो रहा है, तो फिर आपको इंग्लिश के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर अपनी खुद से तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासेस आप ज्वाइन मत करो, क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश आप खुद से कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस एनालाइज करो और आप इजीली इंग्लिश पे कमांड कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज और लैंग्वेज को सीखना मुश्किल बात नहीं होती। समझ रहे हो गाइस, कितना अच्छी बात बोला अभिषेक ने। और अभिषेक एक और बात बताओ कि लोग ना भटके रहते हैं कि कौन सा बुक बेस्ट है, कौन सा बुक बेस्ट है, कौन सा बुक पढ़े, अगर खुद बताओ। 12th तक तो जनरली हमने ग्रामर की तैयारी एक ही कोचिंग से की थी, अपने टेक्स्ट बुक की और ग्रामर्स की। ये था कि हमारा ग्रामर जो था उस समय से हमने उसको मेंटेन किया, और बाद में हमने नीतू मैम की बुक ही बनाई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील किए, और किसी बुक को हमने नहीं पढ़ा है, ना किसी क्लासेस को ज्वाइन किया इंग्लिश के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए। और नीतू मैम की जो बुक आती है चैप्टर वाइज, उसमें क्वेश्चन होते हैं, उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करना, उन्हें एनालाइज करना, अपनी गलतियों को समझना, फिर बाद में उसे रिपीट ना करना, बस यही हमारी स्ट्रेटजी थी, और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो थे वो अच्छे आए थे एग्ज़ाम्स में। समझ रहे हैं गाइज आप लोग, और हम लोग कभी डरे हुए नहीं हैं, हम तो डरे हुए हैं। मेरे बारे में थोड़ा बताओ तो। ये जो, जैसा कि आपने हमारे बड़े भाई आलोक भैया का भी वीडियो देखा होगा, ये ओवर प्रिपेयर्ड है। मतलब कि इसको सारे वर्ड्स याद थे, हमसे ज़्यादा कई इंग्लिश की तैयारी थी, और मेरा कभी वो कैब उतना अच्छा रहा नहीं। मैं ग्रामर पे फोकस रहता था, वो कैब थोड़ा सा मोनोटोनस होता था याद करना, क्योंकि वो कैब में है कि अगर आप डेली 20 भी याद कर रहे हो तो दैट्स नॉट इनफ अनटिल यू रिवाइज इट। आप 5 दिन याद करो, 100 होंगे, तो आप 6ठे दिन देखोगे कि फर्स्ट डे के जो 20 वर्ड्स थे उसमें से कुछ वर्ड्स आप भूल चुके हैं। तो लेकिन अमृत में ये था कि ये रिवाइज करता था डेली, और इसको लगभग मुझे लगता है कि ब्लैक बुक तो इसको पूरा याद है। मैंने ब्लैक बुक्स के सिर्फ ईडियम्स पढ़े थे, जो कि 1100 थे, और ईडियम्स याद करना आसान होता है क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ के ही समझ में आ जाता है ये क्या कह रहा है। लेकिन मैंने कभी वोकैब पे उतना ज़्यादा फोकस मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मुझसे याद ही नहीं होता था, लेकिन ये बंदा पूरा याद करके बैठा हुआ है। बट एक चीज़ बोलेंगे कि अभिषेक का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना गाइज, वो कमाल का है। ये स्कूल पढ़ाते हुए इस बंदे ने जॉब लिया है। हम भी सोचे थे कि इसी के साथ स्कूल पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन इसका थोड़ा माइंड का लेवल दूसरे टाइप का था भाई। हमसे स्कूल पढ़ा करके इतना ना एनर्जी लगा देते थे ना कि प्रिपरेशन नहीं हो पाता था, लेकिन ये कर लिया, समझ रहे हो। और अभिषेक एक चीज़, ये लोग पूछते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, रीडिंग सेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इनको मैं एक ऐप मैंने सजेशन दिया हुआ था। जो ऐप तुमने मुझे आज दिखाया वो काफ़ी अच्छा है। मैंने उसमें देखा है कि सारे जो कम्प्रीहेंसन है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उस पर आप कहीं भी वन टच करोगे तो उसके सारे आ जा रहे हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या मीनिंग है, तो वो काफ़ी अच्छा ऐप है। इंग्लिश माध्यम की गाइज अभी बात हो रही है, वो फ्री में आपको PDF प्रोवाइड करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाता है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। इनको वहाँ पे, आप वहाँ पे जाओ,
वहाँ पे जाओ और एडिटोरियल, डेली एक एडिटोरियल आपको उनके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है विद ऑडियो। आपका कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर एक डिस्कशन का वहीं पर लिंक है उनके मेन चैनल में, वहाँ पर जाकर के आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी एडिटोरियल। वहाँ पर क्या होता है ना अभिषेक कि एडिटोरियल का लाइन बाई लाइन मतलब समझा दिया जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे कि यूट्यूब पे जाते थे तो भावार्थ समझाया जाता था ऊपर ऊपर, बच्चों को नहीं समझ में आता था कि ये लाइन क्या है कैसे है। समरी बताया जाता था तो काफी ज्यादा, जैसे कि तीन पेज के हैं दो पेज के हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन का आधे पेज में कर दिया। यहाँ पे क्या किया जाता है इंग्लिश माध्यम वाले ऐप में कि एक छोटा सा एडिटोरियल लिया जाता है, उनका पीडीएफ होता है, ठीक है, नीचे वो कैब होता है, वो कैब का एक्सप्लेनेशन होता है, आप आराम से वहाँ पे जाओ पढ़ो और एडिटोरियल का ऑडियो सुन लो। सुनते सुनते क्या होगा गाइस कि कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी अभी अभिषेक से मैं वो डील करता हूँ, देखो अभिषेक, एंड फॉर दिस आपको कुछ एफर्ट नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे अभिषेक मैंने टेलीग्राम चैनल खोला, ठीक है, इंग्लिश माध्यम, यहाँ पे क्या है कि देखो देखो गाइज, यहाँ पे नो होल्स बैड, ठीक है, ये एडिटोरियल है, ये पीडीएफ है और ये जो भी एडिटोरियल का अपना एक टॉपिक है, इसमें क्या किया गया है कि ऑडियो दिया गया है। देखो गाइज, लाइन बाई लाइन अपना एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई एक से दो महीने अगर या फिर डेली अगर एक एडिटोरियल अगर इसमें से सुन रहा है कोई भी, तो उसका लेवल क्या होगा इंग्लिश में, ये बताओ, सुनते सुनते या फिर पढ़ते पढ़ते। अगर आप डेली एडिटोरियल सुन रहे हो या समझ रहे हो, वर्ड्स को डील कर रहे हो, हार्ड वर्ड्स को, तो आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर डिफरेंस देख सकते हो। आपके जो समझने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आप इजिली सेंटेंसेस को पढ़ कर समझ सकते हो कि ये का कह रहा है, क्योंकि कंप्रीहेंशन में ये ना तो ग्रामर की तरह होता है ना तो वोकैब की तरह होता है, क्योंकि ग्रामर में आप रूल्स याद करते हो और समझना सीखते हो और वर्ड्स में वोकैब में आप वर्ड्स को याद करते हो, लेकिन कंप्रिहेंसन काफ़ी डिफरेंट होता है, दोनों का अप्लाइड फॉर्म होता है। इसमें वर्ड्स होते हैं, इसमें ग्रामर्स भी होते हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। कई लोग वोकैब और ग्रामर में काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन कंप्रिहेंसन में उनका हाथ तंग होता है, जैसे अमृत का कुछ दिनों तक था 2019 तक, ये कंप्रिहेंसन इतना बड़ा होता है कि लोग देख कर ही उसको डर जाते हैं या पहले ही सोच लेते हैं कि इतने बड़े कंप्रिहेंसन को कैसे समझेंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी होती है एग्जाम्स में। लेकिन अगर आप इस ऐप से या फिर कंप्रिहेंसन के बारे में हम अभी नहीं बताएं गाइस, मैं ऐप के बारे में एक बार ओपन करता हूं। ऐप में क्या है कि ऐप में आपको डेली एक फ्री में एडिटोरियल मिलेगा, डेली फ्री में एडिटोरियल मिलेगा, वहां पे जो भी आपको वर्ड टफ लग रहा है उस पे आप क्लिक करोगे तो वहीं पे मीनिंग मिल जाएगा आपको। और उसके ऊपर आप जैसे देखो अभिषेक, जैसे ये देखो आज संडे, संडे के दिन एडिटोरियल नहीं आता इनका, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आए गाइस, सी ऑल में हम लोग आ गए, ठीक है, सी ऑल में हम 13 तारीख को गए सैटरडे को। देखो एक एडिटोरियल यहाँ पे फ्री आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपका एक दिन में एक एडिटोरियल से गाइज मन नहीं भर रहा है, मन कर रहा है दो पढ़ ले तीन पढ़ ले, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सर का, ठीक है, काफ़ी नॉर्मल चार्जेज है, ठीक है। जैसे प्रीमियम में अगर हम आते हैं अभिषेक, तो एक महीने का 59 रुपीज़ है, तीन महीने का 149 रुपीज़ है और 12 मंथ का 399 रुपीज़ है, ठीक है, जिसको लेना है वो ले सकता है। लेकिन फ्री वाला के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो इसका फ़ायदा क्या अभिषेक, हम उसके बारे में बात करते हैं कि देखो ये एडिटोरियल है, कोई भी अगर वर्ड टफ है हम लोग इस पर क्लिक कर दे, जैसे देखो अमास सिंह, ठीक है, अमास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है गैदर, कलेक्ट करना, असेंबल करना, इकट्ठा करना लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर देखो अब ये एडिटोरियल है, हमने क्या करा इसको ओपन कर दिया, स्पीड अपने अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। आप लोग ट्राई करना इसको, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन है, इंग्लिश माध्यम का ऐप है और इंग्लिश माध्यम का जो चैनल है वो काफी जेन्युइन है और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव एवर सीन। मैं टेलीग्राम में इस चैनल का लिंक दे दूंगा इंग्लिश माध्यम के और ऐप का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है गाइज। और याद रखना कि आलोक भैया हो गए या फिर अभिषेक राज हो गया, ग्रामर तो अभिषेक टीचर ही है, आलोक भैया ज्यादा ग्रामर जानते नहीं है, वो भी बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा हम लोग ग्रामर जानते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आखिर उनका इंग्लिश में कितना नंबर था अभिषेक बताएगा? हाँ उनके इंग्लिश में 193 पॉइंट समथिंग आया था, उनसे ज़्यादा तुम्हारा 195 था। हाँ मेरा ज़्यादा था, उनका लगभग 1.5 मार्क्स कम था। और उन्होंने अपनी तैयारी न्यूज़पेपर से की थी, न्यूज़पेपर रीडिंग से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और उतना ज़्यादा आपकी जो वोकैब है या फिर समझने की जो एबिलिटी वो बढ़ती जाती है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप पेपर ही पढ़ो, लेकिन पेपर पढ़ना इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्हेंस योर कम्प्रीहेंशन एबिलिटी, लेकिन पेपर पढ़ना काफ़ी लोगों को मोनोटोनस लगता है, बोरिंग सा लगता है। इस ऐप पे कहानी भी आएगा। हाँ तो आप स्टोरीज पढ़ सकते हो, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, उसके सबटाइटल्स देख सकते हो, तो यानी कि किसी भी तरीके से आपको समझना है उससे आपकी कम्प्रीहेंशन मजबूत होगी।
इस ऐप के माध्यम से भी कई स्टोरी जा रहे हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं, स्टोरीज गाइस काफी सारे अपलोड होंगे। मैंने पर्सनली सर से बात करी हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं स्टोरीज डाल दूंगा। काफी सर जो है हम्बल है, ठीक है। आप लोग भी अगर इंग्लिश डिस्कशन में आके केवल एक बार बोलोगे ना कि सर हमको ये कंटेंट चाहिए, मिल जाएगा आपको ये कंटेंट, ठीक है। मैं भी इस टीम में शामिल हूँ, आप लोग वहाँ पे आना, हमसे ही बात हो जाएगा। और अभिषेक और हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले, आई थिंक कि आज का सेशन यही है। और डरो मत गाइस, प्लीज़ अभिषेक कभी कंफ्यूज नहीं रहा अपने लाइफ में। हम लोग को यही लगता है कि हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा भाई, कब तक डरोगे आप लोग। हर एक चीज़ अब आप लोग को हर एक प्लेटफॉर्म डिजिटल, आजकल डिजिटल भाई दुनिया है, समझ रहे हो गाइस। और चलो अभिषेक यहीं पे कंक्लूड कर दिया जाए आई थिंक, ठीक है। हम अभिषेक के साथ अभी आते रहेंगे, अभिषेक के साथ अभी और भी इंटरव्यूज होते रहेंगे। क्वेश्चंस आप कमेंट में डालो, अभी हम कभी भी इंग्लिश में डरना मत, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, सब कुछ डील हो जाएगा गाइज धीरे धीरे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो चलो पार्टी दो, चलो पार्टी दो।